सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज के रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं बेचारी नहीं मैं धड़कती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माता पिता का ही मान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश की आधार हूँ। मैं माननीय सभापति हूँ एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान अतिथि एवं गुरुजन तथा मेरे सहपाठी। मैं सुहानी कुमारी, मैं सोनीपत विद्यालय काशीपुर मुरलीगंज से आई हूँ। मैं सातवीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मुझे तरंग मेघा उत्सव के शुभ अवसर पर दो शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर इसमें मुझसे जो कोई भी त्रुटियाँ हो जाए, नादान बालिका समझकर क्षमा करूंगी। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण का अर्थ कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल है जिन्हें लगता है कि बेटियां बेटों के सम्मान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, अगर बेटियां बेटों के सम्मान नहीं होती तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक मिनट डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? क्या है उनके पास मेरे सवाल का जवाब? अरे सुना है परिवार में जिम्मेदारियों की बोझ बढ़ी तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी है नारियां। अरे साहस के साथ आसमान भेद कर आंतरिक तक जा पहुंची है नारियां। और किसने उदाहरण दूं मैं, हर शक्ति से तो आसमाने लगी है नारियां। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता, मैं ही पार्वती हूँ। पर इन पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नहीं दिखलाई, कभी हार गए चूहे में तो कभी अग्नि परीक्षा भी हुआ। सतयुग हो या कलयुग हो इल्जाम उसी पर आता है, फिर आशाने क्यों काले धीरे सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ मैं मरती हूँ, मैं डरती हूँ मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। अरे ना जाने ये कैसे हार्ट है, अरे ना जाने ये कैसा साया है, अरे ना जाने ये कैसी आहट है, अरे ना जाने ये कैसा साया है। फिर उन अंधेरी सड़कों पर दो बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा, दूसरे ने आकर खींच लिया। फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को तार तार कर डाला। फिर उन अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया है, मुझे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची, सबने तस्वीरें खींची, लेकिन कोई मदद को ना आया। मदद करो, मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। और जब होश में आई तो सभी की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी। सबने मुझे यही समझाया, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा बैठ जाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा बैठ जाते हैं। दुनिया वाले तुम बड़ी प्रश्न उठाएंगे, क्यों नहीं निकालेंगे मेरी बातों में, क्यों नहीं निकाले कोई साथ तुम्हारे। क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? सवालों के इन भूल भुलैया में अच्छाई मेरी खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, कहने वालों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, कहने वालों ये मत भूलो कि गलती आपकी भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पे पड़ी बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। ये दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं हो सकता है, ये दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं हो सकता है। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता है। अब हम